का टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हेडिंग डालिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, नियम नंबर एक आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नियम नंबर दो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम इन दो नियमों को समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। उस चित्र के द्वारा हम इन दो नियमों को समझेंगे। हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं। इस समतल दर्पण का ऊपरी तल परावर्तक तल है और पीछे की ओर इसमें कलाई लगी हुई है अर्थात पॉलिश है। हमने मान लिया कि M1 और M2 एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के ऊपर जो प्रकाश किरण पड़ती है इस प्रकाश किरण को आपतित किरण या आपाती किरण कहा जाता है।
हमने माना यह प्रकाश किरण AB है, परावर्तन तल के समकोण पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। और टकराने के बाद जो प्रकाश किरण परावर्तक तल से चलती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है, जो कि यहां चित्र में BC से दर्शाई गई है। तो इसमें AB जो कि यह प्रकाश किरण है, यह आपतित किरण है, हमने BO अभिलंब मान लिया। BO यह अभिलंब है, और BC प्रकाश किरण परावर्तित किरण बोली जाएगी। तो इस चित्र के माध्यम से हम यह समझे कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। अब हमारा नियम नंबर 2 कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम आपतन कोण किसे कहें, किसे हम परावर्तन कोण कहें? तो आपको पता होना चाहिए कि कोण ABO अर्थात अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। ये दोनों ही कोण सदैव बराबर होते हैं। तो यहां पर आपतन कोण क्या है, कोण ABO कोण ABO ये आपतन कोण है, और कोण OBC ये परावर्तन कोण है। हम कहीं कहीं पर आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार हम समझे कि कोण आई कोण आर के सदैव बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। ये नियम है परावर्तन कोण का दूसरा। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के विषय में, जिसे इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है और कहां पर बनता है? तो प्रतिबिंब हमेशा उस बिंदु पर बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात मिलती हैं, काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं।
तो लिखना प्रारंभ करिए। प्रतिबिंब सदैव उस बिंदु पर बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेज प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। लिखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब नंबर दो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, क्या अंतर है इनमें, तो हम उसके लिए एक सारणी बनाते हैं। उस सारणी में एक इधर वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे इधर आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब की ओर लिखिए, नंबर एक
जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब की ओर लिखिए। जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की ओर लिखिए। नंबर दो, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब की ओर लिखिए। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब की ओर लिखिए। नंबर तीन, यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब की ओर लिखिए। यह प्रतिबिंब सीधा बनता है, अब हम समझते हैं दर्पण के विषय में, जिसे अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है। तो हेडिंग डालेंगे बीच में दर्पण। दर्पण होता क्या है, तो लिखना प्रारंभ करिए। कांच की पतली शीट कि एक सतह पर चमकदार पॉलिश करने से
इसकी दूसरी सतह परावर्तक तल का कार्य करती है। तब इसे दर्पण कहते हैं। अब हेडिंग डालिए दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक गोलीय दर्पण, और नंबर दो समतल दर्पण। हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण। अब हम गोलीय दर्पण के विषय में अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।